हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं प्रियांशी परीक्षा मेनिया के इस मंच पे आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम ज्योग्राफी की सीरीज़ प्रैक्टिस सीरीज़ को लेके चल रहे हैं और आज उसी सीरीज़ में हमारा जो प्रैक्टिस सीरीज़ है वो 6 नंबर का चलेगा और इस सीरीज़ में हम बात करेंगे भारत की ट्राइब्स की, ठीक है। और इसके साथ साथ हम चर्चा करेंगे क्या ये जो ट्राइब्स हैं ये मतलब इनका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, ये क्या संविधान में इनके लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस हैं या हमारे लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ट्राइब्स पे हम देखेंगे हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अगर इनके महत्व की बात किया जाए तो हम देखेंगे कि जो भारतीय संस्कृति के जो वाहक हैं, जो विविधता है, चूँकि हम जानते हैं कि भारत एक विशाल डाइवर्सिटी वाला देश है, इसमें बहुत विविध प्रकार के लोग पाए जाते हैं, तो उनमें ट्राइब्स का एक महत्व है। कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं ट्राइब्स। भारतीय संविधान में हालांकि ट्राइब्स की कोई डिफिनेशन नहीं है, संविधान में अगर हम देखें तो ट्राइब्स के लिए कुछ अनुसूची विशेष बना दी हैं, जैसे कि 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची में ट्राइब्स का महत्व है, इनके लिए प्रोविज़न तो है लेकिन इनको संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है कि ट्राइब्स की ये फला फला डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसी को देखते हुए हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास के, ट्राइब्स के बारे में जानेंगे, इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्राइब्स होती क्या है। सबसे पहले हम क्या चर्चा करेंगे कि ट्राइब्स होती क्या है। प्रश्न नंबर आपका जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो जाता है ट्राइब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम देखेंगे ट्राइब्स होती क्या है, जो कि आपके प्रीवियस में ये प्रश्न पूछा भी गया है ट्राइब्स को लेके। तो भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है, क्या आधार है हम देखेंगे। प्रश्न में चर्चा क्या हो रही है कि भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है, ठीक है। जो ट्राइब्स हैं उनका के वो ट्राइब्स क्यों हैं और इनका क्या इम्पोर्टेंस है, उसका बेस क्या है, हम बेस किसको मानते हैं कि हम इस प्रैक्टिकल मतलब पर्टिकुलर एरिया में बोल सकते हैं कि ये ट्राइब्स हैं। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि ये सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास, क्या इसके लिए ट्राइब्स हैं। दूसरा, ये भाषा और बोली के लिए हैं। तीसरा है सामाजिक रीति रिवाज की विभिन्नताएं इनमें देखने को मिलती हैं। और ऑप्शन डी बोल रहा है कि आर्थिक स्तर। आप भी सोचिए, जैसा कि हमने बताया था कि ट्राइब्स जो होती है वो पर्टिकुलर किस चीज़ की वाहक होती हैं, उनका क्या इम्पोर्टेंस है, उनका क्या मायना है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। जनजातियों का क्या महत्व है, ऑप्शन में बोल रहा है इसके निर्धारण का क्या आधार है, हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये ट्राइब्स हैं। तो ये ऑप्शन चार दे रखे हैं उसने। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि ये जो कल्चरल, आप जानते हैं ना कि भारत विविध भौगोलिक विशेषताओं के साथ साथ विभिन्न संस्कृतियां भी पाई जाती हैं भारत में। अगर आप जम्मू जाओगे, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर जाओगे तो वहाँ आपको अलग प्रकार का खान पान मिलेगा, अलग प्रकार की वेशभूषा मिलेगी, अलग प्रकार का रहन सहन मिलेगा। वहीं अगर आप साउथ में जाओगे तो वहाँ नॉर्थ से एकदम डिफरेंट लोग मिलेंगे, और अगर हम पश्चिम में गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों का अपनी अलग वेशभूषा होती है, वहीं हम पूरम में जाएँ तो अरुणाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब की अपनी। तो ये क्या है, ये अपनी अलग अलग संस्कृति को बनाए रखते हैं, है ना। बेसिकली कल्चरल होता है आपका खान पान, रहन सहन, आपकी बोलचाल, भाषा आपकी किस प्रकार की है। तो इस हिसाब से देखें तो भारत विभिन्न संस्कृतियों को एक धारण करने वाला देश है। तो ये हो गया संस्कृति, ठीक है, सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। ऑप्शन बी बोल रहा है क्या ये भाषा, इनकी अलग भाषा और बोली के लिए ये किसी भी उसको बोल सकते हैं कि ये ट्राइब्स हैं। ऑप्शन सी बोल रहा है कि सामाजिक रीति रिवाज की विषय विभिन्नताएं पाई जाती हैं, और ऑप्शन डी बोल रहा है कि ये आर्थिक स्तर पर अलग है। डियर फ्रेंड्स, मैंने अभी ट्राइब्स को अगर मैं समझाऊं तो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जनजातियों को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चारों ही ऑप्शन एकदम सटीक हैं। क्यों, है ना, आपको भी लगा होगा ना, क्यों, क्योंकि वो अपनी विशेष सांस्कृतिक विशेषताएं भी रखती हैं। किसी ट्राइब्स में बहुविवाह की परंपरा आज भी प्रचलित है, यानी कि एक पति और कई सारी महिलाएं, कहीं कहीं एक महिला के साथ साथ कई सारे पति भी होते हैं, इसको बोलते हैं बहुविवाह की परंपराएं। ये डिपेंड करता है वहाँ जेंडर कैसा है, मतलब जेंडर डाइवर्सिटी किस प्रकार की है, वहाँ लैंगिक समानता कैसी है, है ना, उस पे। दूसरा, विशेष सांस्कृतिक विशेषीकरण का मतलब है उनकी अपनी परंपराएं हैं, उनकी अपनी रीति रिवाज हैं, उनके अपने त्यौहार हैं, ठीक है।
आवास का मतलब वो कैसे रहते, जैसे कि पुराने समय में आपने पढ़ा होगा जब इंडिया के इतिहास को हम उठा के पढ़ते हैं तो हम देखते हैं आर्य लोग, आर्य से पहले कबीलाई ग्रुप में रहते थे, कबीले बना के, है ना, कबीलाई समाज होता था, उसका एक राजा होता था, कबीले का प्रधान होता था। तो ऐसे क्या इनका हैबिटेट है, ये भी सही है। ऑप्शन बी बोल रहा है कि ये भाषा इनकी अलग होती है, बोली अलग होती है, ये ही जनजातियों के निर्धारण का आधार है कि जिस जनजाति की भाषा और बोली अलग अलग होगी उसको हम जनजाति बोल देंगे। ये एक तरीका से माने सामान्य तौर पर तो ये भी सही है, क्यों, क्योंकि जनजातियों की अपनी अलग भाषा और बोली होती है। ऑप्शन सी बोल रहा है कि सामाजिक रीति रिवाज की विभिन्नता यहाँ देखने को मिलती हैं, बिल्कुल मिलती हैं। समाज में जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, आप ट्राइब्स को ना YouTube या Google करके देखोगे, उनकी अलग अलग आपको ये डाल देना रीति रिवाज, तो उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलेंगे आपको कि कैसे कैसे उनकी वो चल रही हैं, मतलब रीति रिवाज क्या हैं। शादियों में कुछ ट्राइब्स होती हैं कि ऐसे, मैंने एक वीडियो देखी थी शॉर्ट्स, तो उसमें जनजातियों की शादी हो रही थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, पता है कैसे हो रही थी कि जो मेल था उस पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ चिपटी हुई थी, बहुत सारी मधुमक्खियाँ, और फीमेल को ऐसे हैंडशेक मतलब टच करता है, वो सारी मधुमक्खियाँ ऐसे करके फीमेल पे आती हैं। तो ये उनका एक रिवाज था जनजातियों को, जो हमें देखने में बहुत अकवर लगेगा कि ये क्या हो रहा है, क्यों, क्योंकि हम अभी आधुनिक समाज से टच में आ गए, हम सभ्यता के चरण पे चल रहे हैं, लेकिन जनजातियाँ वो चाहती ही नहीं है कि हम आधुनिक विकास की तरफ आएं। वो अगर आप उनको कन्वेंस भी करोगे तो वो आपको पसंद ही नहीं करेंगी आपको सुनना, इसीलिए वो हमेशा भारत के जो डेवलप्ड एरिया उससे बहुत सुदूर क्षेत्र में रहती है, रिमोट एरिया में, वो चाहती नहीं है कि कोई हमारी संस्कृति में हस्तक्षेप करे, वो उनको ख़त्म ही नहीं करना चाहती हैं। तो ये भी ठीक है, और आर्थिक स्तर पे भी, लेकिन अगर इन चारों में से कोई एक सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि आपके पास ये तो ऑप्शन नहीं है कि ऑल ऑफ एवर, तो आप क्या इसमें से प्रायोरिटी दोगे, सामाजिक रीति रिवाज विभिन्नता है, नहीं, इसके अलावा हैं तो चारों ही सही, इसके अलावा जो इनकी मेन विशेषता है, ये जो ये है ना सामाजिक रीति रिवाज की विभिन्नता, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि सामाजिक रीति रिवाज वो इसी का पार्ट है संस्कृति का। ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा इसको समझें, तो ये जो रीति रिवाज है ना सामाजिक रीति रिवाज, ये किसका पार्ट है, ये संस्कृति का ही एक पार्ट आ जाता है। अगर हम संस्कृति में क्या आता है तो ये इसी का एक पार्ट है सामाजिक रीति रिवाज, ओके, तो ये नहीं होगा। भाषा और बोली ये संस्कृति का ही पार्ट है, भाषा और बोली ये कल्चर का ही पार्ट तो है कि कौन कैसी भाषा बोल रहा है, ये बोलते ना इसका कल्चर कैसा है ना भाषा के लिए, तो ये भी इसी का पार्ट है। इस हिसाब से आर्थिक तो पहलू तो इससे एकदम अलग थलग है, तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो बेस्ट आंसर होगा, अब आप बता दीजिए क्या होगा, इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो ये होगा, जनजातियों के निर्धारण का आधार क्या है, सांस्कृतिक विशेषीकरण और उनके रहने का विभिन्न आवास। जो आप बोल रहे हैं ना सामाजिक रीति रिवाज, ये भी एकदम सही है, लेकिन अगर ऑप्शन में ये बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाया जाए तो इसका बेस्ट ऑप्शन ये होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो सोशल जो परंपराएं होती हैं ना वो इसी में आ जाती हैं कल्चर में। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे ट्राइब से, आप भी मेरे साथ साथ रीड करेंगे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, स्टेटमेंट ट्राइब्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए बोल रहा है कि भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है, क्या ट्राइब्स को डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये ट्राइब्स की डेफिनेशन है, जो इस डेफिनेशन में आएगा वही ट्राइब्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्यों डेफिनेशन है इसकी। ऑप्शन बी बोल रहा है कि देश की कुल जनजाति जितनी भी टोटल ट्राइब्स हैं उसकी जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक नॉर्थ ईस्ट में रहती हैं। ऑप्शन बी कि जितनी टोटल ट्राइब्स की पॉपुलेशन है उसका 50% से ज़्यादा अकेले नॉर्थ ईस्ट में रहता है। ऑप्शन सी बोल रहा है कि जो टोडा ट्राइब्स है वो नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं, जो नीलगिरी एरिया ध्यान आ गया, केरल कर्नाटक तमिलनाडु साउथ में नीलगिरी याद आ गया ना, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी बताओ, रिकॉल करो, दो बेटा, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट है नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं में से लोथा एक है। देखो डियर फ्रेंड्स, मैंने क्लास स्टार्ट की थी, मैंने तभी बताया था कि ट्राइब्स की कोई भी एक परफेक्ट
जो डेफिनेशन है वो नहीं है. क्यों? क्योंकि ट्राइब्स जो होती हैं वो अपना कल्चरल डिफरेंट टाइप्स का होता है, तो उनकी कोई एक सीमित परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता. वो इतने ज़्यादा वैल्यूज़ को धारण किए हुए हैं कि उनको एक सीमित डेफिनेशन में नहीं बांधा जा सकता. इस वजह से ये एकदम सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल जो ट्राइब्स होती हैं उनकी कोई डेफिनेशन नहीं है. ये एकदम परफेक्ट है. ऑप्शन अब हम आते सी पे. तो अभी हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन भी करेंगे कि ट्राइब्स के पर्टिकुलर अपने अपने एरिया में अपने अपने स्टेट में नाम होते हैं. तो ऐसे ही जो टोडा ट्राइब है, टोडा जनजाति है, वो किस क्षेत्र में पाई जाती है? नीलगिरी क्षेत्र में. इट मीन्स मैंने प्रीवियस में बताया था नीलगिरी का मतलब क्या हो गया? केरल तमिलनाडु के बॉर्डर पे. नीलगिरी हिल्स कहाँ पे? केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे. तो टोडा ट्राइब्स कहाँ पाई जाएगी? केरल और तमिलनाडु में. ठीक है, नेक्स्ट है नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं में से लोथा एक है. यानी कि यहाँ पे नागालैंड की जो नागा ट्राइब्स है उसकी भाषा पूछ ली है कि वो क्या कौन सी भाषा बोलती है, तो वो लोथा बोलती है. इट मीन्स ये भी सही है, ये भी सही. अब हम इस पर डिस्कस कर दें. ठीक है, ये बोल रहा है कि देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या नॉर्थ ईस्ट में. अगर हम इंडिया के मैप की बात करें, ठीक है, अगर हम इंडिया के मैप की बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया. ठीक है, ये आपका असम यहाँ तक, और ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, और ये मिजोरम, ये मेघालय. ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 50% से ज़्यादा जो शेड्यूल ट्राइब है, जो शेड्यूल ट्राइब है वो यहाँ रहती है. डियर फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब कहाँ रहती है? मानते हैं यहाँ ट्राइब्स रहती हैं, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट एरिया है. यहाँ देखो पॉपुलेशन क्या रह पाएगी? उतनी रह पाएगी क्या? उतनी नहीं. 50% से ज़्यादा कहाँ रहती है? सबसे ज़्यादा ट्राइब्स मध्य भारत में रहती हैं. कहाँ कहाँ? झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी का साउथ वाला पार्ट पूरा ट्राइब एरिया है. सबसे ज़्यादा ट्राइब्स भी वहीं रहती है ना. तो एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, ये वाले राज्यों में है ना. ये जो छोटा नागपुर का पठार है पूरा ट्राइबल एरिया है ना. बिहार के साउथ, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पे कोर ट्राइब्स रहती हैं. छत्तीसगढ़ में अक्सर जो सुनने को आता है नक्सलवादी जो हमले होते हैं, क्यों होते हैं, क्यों नक्सलवादी वहाँ पनप रहे हैं? क्योंकि वहाँ शेड्यूल ट्राइब्स ज़्यादा रहती हैं और वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र हैं. जहाँ आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र रहेंगे वहीं ट्राइब्स रहती है. क्यों? क्योंकि ट्राइब्स जो आधुनिक सभ्यता की तरफ आना ही नहीं चाहती, उसको पसंद ही नहीं है कि कोई हमारे रीत रिवाज में हस्तक्षेप करे. जो भारत के जो विकासशील क्षेत्र हैं उनसे दूर रिमोट एरिया में ट्राइब्स रहती है. तो ट्राइब्स कहाँ रहेगी? मध्य भारत में ज़्यादा रहेगी. तो इस हिसाब से ये ऑप्शन हो जाता है गलत, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट है ना यहाँ पे केवल 10-11% ट्राइब्स रहती है. जो टोटल ट्राइब्स का केवल 10-11% नॉर्थ ईस्ट में रहता है, बाकी ज़्यादातर कहाँ रहता है? मध्य भारत. ठीक है, झारखंड में और ये सब संथाल, सिरहोर. तो ये क्वेश्चन का जो बेस्ट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी. इट मींस ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही नहीं है. वो क्या पूछ रहा है? कौन सा सही नहीं है? ठीक है, ये हो गया हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? अब हम अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन. मैं लास्ट क्लास में इसके बारे में आपको ऐसे ही कुछ बताई थी, इंटरेस्ट के लिए बताई थी ना, उस दिन बताई थी. बताओ इसका आंसर क्या होगा. मैं आपको ऐसे ही सेशन करा रही थी, उसके बीच में मैंने ये बता दिया था इस स्टेटमेंट के बारे में कि कैसे हमने लोगों को डिवाइडेशन किया था. जब मानव सभ्यता का विकास हुआ था उस क्रम में हमने 4-5 ग्रुप में बांट लिया था, मंगोलाइड, प्रोटोस्ट्रेलाइड, निग्रेटोज, और मैंने उनकी विशेषताएं भी बताई थी कि क्यों मानव ऐसे उस क्षेत्र में पर्टिकुलर में रहता है, नेचर ने उनको क्यों ऐसे बनाया है ना. इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं. प्रश्न बोल रहा है ये पीले कलर के, वर्ड मतलब कलर, ये पीले कलर के तिर्यक नेत्र, नेत्र मतलब एक तो होता है बहुत प्यारी सी आंखें बना दी, ठीक है, लेकिन तिर्यक नेत्र का मतलब होता है, तिर्यक का एक्चुअल में मतलब होता है टेढ़े मेढ़े, टेढ़े मेढ़े. इनकी जो आंखें होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी सी कुछ अलग होती हैं जो सामान्यतः नहीं देखने को मिलती हैं. उठी हुई कपोल अस्थि, ठीक है, और नेक्स्ट है छुटपुट केस, मतलब छोटे छोटे से बाल होते हैं, छुटपुट केश, और मध्यम ऊंचाई वाले, मतलब इनकी हाइट जो होती है वो सामान्य से कम होती है, मध्यम ऊंचाई, ये 6 फीट के नहीं होते हैं, ठीक है, मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं. इसके संदर्भ में आपको बताना है कि किसके बारे में बताया जा रहा है प्रश्न, ये कौन सी प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बताया जा रहा है. ऑप्शन ए ये नॉर्डिक आर्य हैं, ऑप्शन सी ये ऑस्ट्रेलियाई हैं,
ऑप्शन बी ये निग्रो, ये निग्रोसन का मतलब है निग्रेटोस से, ऑप्शन डी ये मंगोलाइड है। इनमें से कुछ तो हमारे बीच में बैठे हुए हैं। बताइए प्रशांत, आंसर बताओ, सोचो, गैस करो। वेरी गुड, इसका आंसर क्या होगा? मैंने बताया था ना लास्ट सेशन में, मंगोलाइड, मैंने लास्ट सेशन में बताया था ना कि जो ह्यूमंस के टाइप्स हैं उसको बांट लिया गया था, निग्रेटो जो अफ्रीका में रहते हैं उनकी अपनी अलग विशेषताएं। यही प्रश्न कुछ ऐसे बन जाता कि मतलब बहुत ज़्यादा श्वेत तो सफ़ेद होता है, मतलब ब्लैक कलर के होते, बहुत ज़्यादा डार्क कलर होता है ना, हेयर्स कर्ली होते हैं, है ना, ये जो विशेषताएं बताई थी ना प्रीवियस लेक्चर में, तो ये कुछ क्वेश्चन चेंज कर देता तो हमारा ऑप्शन क्या होता, बी होता, निग्रेटोज। इसने बोला है ये येलो कलर के होते, यानी कि ये ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ सूरज की किरणें बहुत कम पड़ती हैं, ऑब्वियस है ना, यहाँ ऐसे क्षेत्र में रहते हैं हर, ये नेचर ने उनको इस तरीके से बनाया कि वो एडेप्टेशन वाला जो डार्विन की थ्योरी है अनुकूलतम के साथ आगे बढ़े, तो वही वाली चीज़ें हैं। ये पीले वर्ड के तिर्यक नेत्र, मतलब मैंने बताया था ना उनकी आई जब, क्यों कौन सा एरिया है जहाँ सूरज नहीं, दूर सूरज की किरणें नहीं पड़ती हैं, ठीक है, यानी कि हिमालयन स्टेट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे कौन सा क्षेत्र होगा जब पहाड़ी, हम कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं, पहाड़ी की, ठीक है, यहाँ जब भी, तो उनका कलर कैसा है, पीला, यानी कि हम जिनको बोलते हैं बहुत वाइट कलर, फेयर है, ठीक है। तिर्यक नेत्र, मैंने बताया था बर्फ पड़ती है तो आंखें को जो स्वेलिंग हुई आंखें, मतलब आंखों के कैसे होता है उनका जो आईलिड होता है वो स्वेलिंग वाला होता है, उठी हुई कपोलस्थि, छोटे छोटे बाल होते हैं और मध्यम ऊंचाई, कम हाइट के होते हैं, बिकॉज पहाड़ों पे लोग बहुत ज़्यादा हाइट के नहीं हो सकते, उनको चढ़ने में आसानी, मतलब उससे चढ़ने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए नेचर ने कैसे बनाया, जो पहाड़ी लोग होते हैं वो छोटी हाइट के बनाए, ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम कौन सा बोलते हैं, मंगोलाइड, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं। अच्छा, इसका एग्जांपल है जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग, नॉर्थ ईस्ट के, अगर आप दिल्ली जैसे जो राजधानी के लोग में रहोगे तो आपका सामना होगा बिल्कुल, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लोग वहाँ मिल देखे जाते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग होते हैं, आप इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो उत्तर पूर्वी पहाड़ी, जो उनकी जो मंगोलाइड होते हैं, और वैसे ही क्यों नॉर्थ ईस्ट के लोग, आपने देखा होगा चाइना तिब्बतन लोगों से मैच करते हैं, क्योंकि उनकी भौगोलिक विशेषताएं एक ही टच में है, भारत की जो नॉर्थ ईस्ट है उसी के ऊपर क्या है चाइना और इधर क्या है तिब्बत, तो भौगोलिक विशेषताएं सेम है ना, उनकी भौगोलिक विशेषताएं सेम है, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट के लोग चाइना की साइड ज़्यादा अटैचमेंट महसूस करते हैं, ठीक है, चीन से ज़्यादा अटैचमेंट लगा महसूस करते हैं, क्योंकि दोनों एक ही भौगोलिक विशेषताओं से होते हैं, देखने में एक जैसे लगते हैं, जबकि नॉर्थ ईस्ट के लोग और भारत के जो अपना इंडिया जो मध्य भारत और नॉर्थन स्टेट्स होते हैं उनसे उतना महसूस नहीं करते अटैचमेंट, उनसे बहुत दूरी बना के रहते हैं, क्यों, क्योंकि उनको नहीं लगता कनेक्शन वैसा, ठीक है, तो ये कौन सा है, मंगोलाइड है। नेक्स्ट हम सेशन पे चलते हैं, समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, उत्तर पूर्वी भारत, जो लास्ट क्वेश्चन था उसी में इसका आंसर है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के, अभी मैंने सेशन बता ही दिया था, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है, आप आंसर दोगे, ऑप्शन ए दिनारिक, ऑप्शन बी सी है मेडिटेरियन, ऑप्शन बी है मंगोलाइड, ऑप्शन डी है प्रोटोस्ट्रेलाइड, कौन सा होगा, हाँ ये अभी तो यार आंसर बताया, ऐसे मत करो यार, यहाँ पे मैंने कितना एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे नहीं बताया था कि नॉर्थ ईस्ट के लोग मंगोलाइड अटैचमेंट करते चाइना से, यहाँ पे ही तो बताया है कि आप दिल्ली में अगर रहोगे तो आपको नॉर्थ ईस्ट के लोग देखने को मिलेंगे, मुझे इमेज लेनी चाहिए थी, मुझे इमेज लेनी चाहिए थी दिखाने के लिए, है ना, नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं वो रहते हैं, हाइट कम होती है उनकी, है ना, कलर बहुत फेयर होता है, येलोइश होता है, आंखें थोड़ी स्वेलिंग वाली होती हैं, हेयर्स छोटे छोटे होते हैं, तो ये नॉर्थ ईस्ट के ही तो लोग होते हैं, अगर आप कभी दिल्ली राजधानी दिल्ली में जाओगे तो आपको ऐसी ही विशेषताओं के व्यक्ति दिखाई देंगे मेट्रो में, वो मंगोलाइड किस्म के लोग होते हैं, ये कहाँ रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में, यहीं पे एक्सप्लेन किया था, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से ये पूछ लिया उसने, नॉर्थ ईस्ट भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में कौन सी प्रजाति समूह पाया जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखो सेशन में, है ना, मंगोलाइड लोग कहाँ रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोलाइड हमने देख लिया, अब हम देख रहे हैं द्रविड़ियन,
प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत के निम्नलिखित भागों में से द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ रहती है। द्रविड़ियन का मतलब है दक्षिण भारत की बात कर रहा है और दक्षिण भारत के लोगों को द्रविड़ियन बोलते हैं। तो ऑप्शन ए है दक्षिण भारत, ऑप्शन बी है नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन सी है नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन डी है नॉर्थ इंडिया। क्या आंसर होगा इसका? प्रश्न में ही आंसर है डियर फ्रेंड्स। जब भी आपको प्रश्न आए तो आप उस शब्द को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ लिया करो। द्रविड़ियन बोलते हैं साउथ इंडिया के लोगों, कहाँ रहेंगे? साउथ इंडिया में, है ना। नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जिन भी बच्चों का अभी रिसेंट में एग्जाम है, ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। भारत में जो एकमात्र मानव कपि पाया जाता है वो कौन सा है? मानव कपि का मतलब है, हमने आपने सबने पढ़ा होगा स्टोरी, हमारी दादी अम्मा ने पढ़ाई थी कि हम जो थे किसके पूर्वज, हमारे जो पूर्वज थे वो कौन हैं, हमारे जो पूर्वज हैं वो कौन है? हम बंदर के ही तो प्रजाति हैं ना, हम किसकी हैं? कपि, हम बंदर की ही प्रजाति हैं। क्या हुआ है, बंदर जो था हम उसकी सभ्यता के चरण में एडवांस हो गए हैं, बस इतना ही तो अंतर है। और जो हमारे वही फिर थ्योरी आ जाती है, अंगों का मतलब प्रयोग होता रहता है तो वो वैसे ही अनुकूलतम चलते रहते हैं। साइंस में एक थ्योरी है डार्विन की, अगर हम उन अपने जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनका यूज़ ना करें तो वो यूज़लेस हो जाते हैं और धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। हमने ये 10th क्लास की साइंस की बुक है बायोलॉजी की, उसमें पढ़ा था। आप 6th, 7th, 8th में भी हमने ऑलमोस्ट पढ़ा था ना, एक थ्योरी पढ़ी थी हमने कि अगर हम अंगों का अपने का उपयोग करें तो वो क्या रहते हैं, यूज़ में रहते हैं, अगर हम उनका यूज़ ना करें तो वो यूज़लेस हो जाते हैं और धीरे धीरे हमारी बॉडी के पार्ट से गायब हो जाते हैं। हम किसकी संतान हैं? हमारे जो पूर्वज हैं वो कपि ही हैं, है ना। हमने क्या किया है, अपने को आधुनिकता के चरण में थोड़ा सब भी कर लिया है, है ना। हमारे पास सोचने की क्षमता है, वैसे ही बंदर के भी पास है। तो हम किसके, यही पूछ रहे हैं, मानव कपि कौन सा है। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत कुछ है। जैसे सांप जो होता था, पहले उसके पैर होते थे, ठीक है, लेकिन वो क्या करता था, उनका यूज़ नहीं करता था, वो रेंगता रहता था। और रेंगने के क्रम में क्या हुआ, उसके जो पैर हैं धीरे धीरे वो झाड़ी में फंसते थे, तो इस वजह से वो उनका यूज़ ना करके धीरे धीरे खिसकता रहता था, उसके पैर गायब हो गए। अब सांप के जो बॉडी होती है उस पर पैर की जगह केवल सिंबल होते हैं, निशान होते हैं। वो उसी थ्योरी का ही एग्जाम्पल है कि अगर हम अपने अंगों का यूज, अंगों का अनुकूलतम उपयोग, जैसे जिराफ था तो वो क्या करता था, लटक अपना जो भी पेड़ से टहनी तोड़ता था, इसी क्रम में वो अपनी गर्दन को धीरे धीरे उठाता तो उसकी गर्दन बहुत लंबी हो गई है। ये साइंटिफिकली फैक्ट हैं, ये थ्योरी, इसी थ्योरी के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो वैसे ही था, तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, मानव कपि पाया जाता है भारत में, एक पात्र मानव कपि। ऑप्शन ए है हनुमान बंदर, ऑप्शन बी है पश्चिमी घाट में पाया जाता है लॉइन टेल्ड मकॉक, इसे हिंदी में बोलते हैं सी पुच्छी मकॉक, ऑप्शन सी है असम का मंथर लोरिस, ऑप्शन डी है असम का श्वेतवी गिब्बन। आप इसका आंसर दो। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में प्रीवियस में आया हुआ है और आपके आने की पूरी संभावना भी है। आप बताइए इसका आंसर, भारत में एकमात्र मानव कपि पाया जाता है, क्या होगा इसका आंसर? सॉरी बोलिए जी, नहीं बताइए। ऑप्शन बी है वेस्टर्न घाट में रहता है लॉइन टेल्ड मकैक, तो ये भी नहीं है। मकैक बोलते हैं, बंदर को ही बोलते हैं, लेकिन उसकी जो टेल होती है बहुत लंबी होती है, घुमावदार। मकैक बंदर को ही बोला जाता है। इसकी मुझे इमेज पिक्चर दिखानी चाहिए थी, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है असम का मंथल लोरिस, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है असम का श्वेतवो गिब्बन, ये एज इट इज बहुत विशाल मानव जैसी आकृति का होता है, लेकिन दिखने में आपको लंगूर जैसा रहता है, ठीक है, एकदम इसका बॉडी शेप वैसा ही रहता है ना। जो जैसे हमारा क्या होता है, अभी वो क्या हो रहा है, उसका जो हेयर्स हैं बंदर के वो वैसे ही रहते हैं, उसका कोई वो होता नहीं है, लेकिन हम क्या, हमारे क्या हो गए, वो धीरे धीरे रिमूव, हमारे भी जो बंदर के जैसे पूंछ होती है ना, वैसे हमारी भी थी, लेकिन हम उसका यूज़ नहीं करते थे तो वो धीरे धीरे क्या हो गई, गायब हो गई, विलुप्त हो गई। जो भी बॉडी के पार्ट्स, अभी ये जो अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है, इनमें से कौन से एक्सटर्नल बॉडी के पार्ट्स हैं, तो हमारे जो ये ईयर होते हैं हम इनका कोई यूज़ नहीं करते, देखना हम देख ही क्या पाएंगे, जो आधुनिक जो टाइम होगा उसमें ये गायब हो जाएंगे, इसका कोई यूज नहीं है, एक्सटर्नल पार्ट है, ठीक है। तो ये थ्योरी है साइंस में, 9th 10th में बायोलॉजी की बुक NCERT आप पढ़ोगे तो वही थ्योरी आपको देखने की मिलेगी, उस थ्योरी से ये एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का फेस्टिवल मनाती है? दिवाली को इनमें से कौन सी जनजाति शोक फेस्टिवल के तौर पे मनाती है? ये प्रश्न भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेटेड क्वेश्चन है। ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में, जो भी व्यक्ति यूपी से होंगे तो यूपी में, क्योंकि ये जनजाति पाई जाती है, यूपी की ये फेवरेट ट्राइब्स है, मतलब कि यूपी में सबसे ज़्यादा ये जनजाति पाई जाती है। क्या है ऑप्शन? भील? नहीं। क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? अंकित ने बहुत अच्छा बताया, थारू जनजाति। ठीक है, दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है। ठीक है, तो अब कौन सी जनजाति दिवाली, ये बहुत रिपीटेड एग्जाम में अक्सर, अगर ट्राइब से क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई दे, अगर ट्राइब से क्वेश्चन आता है। जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस पढ़े थे वो एक्चुअली ट्राइब्स होता क्या है उसको समझाने के लिए पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन, तो उनमें से एक, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम का, वो ये है। ठीक है, कौन सी दिवाली, कौन सी ट्राइब्स दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? तो वो थारू जनजाति है। ये कहाँ रहती है? यूपी की जनजाति है थारू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है गद्दी लोग, ये ट्राइब्स हैं, ये कहाँ के निवासी हैं? ऑप्शन ए बोल रहा है एमपी के, ऑप्शन बी बोल रहा है अरुणाचल के, ऑप्शन सी बोल रहा है हिमाचल के, और ऑप्शन डी बोल रहा है मेघालय के। आप इसमें से मुझे बताइए इसका आंसर क्या हो। गद्दी जो जनजाति है वो कहाँ रहती है, कहाँ के निवासी हैं? ऑप्शन ए एमपी, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल, ऑप्शन डी मेघालय। ये वन लाइनर एग्जाम है, इसमें मुझे एक्सप्लेन करने को है नहीं। कुछ ट्राइब्स क्या होती हैं, क्या विशेषताएँ होती हैं, वो मैं समझा चुकी। अब तो सीधा सीधा है, आप, मैं प्रश्न बोलूँगी, आप आंसर बताओ। गद्दी निवासी कहाँ, गद्दी जो है क्या होगा? हिमाचल। वेरी गुड, गद्दी जो ट्राइब्स है वो कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की। इसे नोट डाउन कर लें, एक तरफ आप लिख लो ट्राइब्स और दूसरी तरफ वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, किस स्टेट से, तो आपका छोटा सा शॉर्ट नोट्स बन के तैयार हो जाएगा। एक साइड आप यहाँ पर लिख लो ये जनजाति हैं और ये किस किस राज्य में रहती हैं, ये इधर हो जाएगा, और ऐसे करके आपका एक शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। यहाँ आप ट्राइब्स लिखो, यहाँ उसका राज्य, यहाँ ट्राइब्स, यहाँ राज्य। ठीक है, तो जो गद्दी लोग हैं वो कहाँ के निवासी हैं? हिमाचल प्रदेश के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसको अभी बता भी चुकी थी प्रीवियस क्वेश्चन में, जब मैंने प्रश्न स्टार्ट कराए थे तो मैं इसको करा भी चुकी थी। मुझे उम्मीद करती हूँ आप सही आंसर देंगे। टोडा जो ट्राइब है वो कहाँ पे निवास करती है? ऑप्शन ए है अरावली हिल्स पे, ऑप्शन बी है एमपी में, ऑप्शन सी है नीलगिरी की पहाड़ियों पे, और ऑप्शन डी है विंध्याचल की पहाड़ियों पे। क्या होगा इसका आंसर? सी। वेरी गुड, क्या बात है, किसने बोला? अंकित, अंकित है ना, गुड। टोडा ट्राइब्स कहाँ है रहती है? नील, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये करवाया था। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? केरल और तमिलनाडु, साउथ में। अगर हम इंडिया के साउथ की, दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ केरल है और यहाँ तमिलनाडु है। मैंने प्रश्न बार बार बताया था, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है वहीं पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं ना। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की कहाँ मिलती है? मैंने लास्ट, जो बच्चे न्यू हों वो प्रीवियस लेक्चर्स को देखें और उसमें देखें, मैंने बताया है कि नील, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स अगर राज्य पूछे तो केरल तमिलनाडु के बॉर्डर पे, उसकी चोटी पूछे तो दोदाबेट्टा, दक्षिण भारत की सेकेंड हाइएस्ट चोटी दोदाबेट्टा, और फर्स्ट पूछे तो अनाईमुदी। अनाईमुदी कहाँ है? अन्नामलाई हिल्स पे। ओके, ये मैंने लास्ट लेक्चर्स में करवाया है। तो टोडा ट्राइब्स जो है वो कहाँ की निवासी है? नीलगिरी हिल्स की। डन, ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है जो एग्जाम में मोस्ट रिपीटेटेड क्वेश्चन है कि कौन सी ट्राइब है जो सरहुल फेस्टिवल को मनाती है? सरहुल फेस्टिवल कौन सी ट्राइब बनाती है? ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी भील, ऑप्शन डी थारू। बताइए। मुंडा। सरहुल फेस्टिवल कौन सा मनाती है? बी ही इसका आंसर होगा, मुंडा। ठीक है, सरहुल फेस्टिवल मनाती है मुंडा ट्राइब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक साथ दो आ गए, कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। ये बताइए क्या होता है झूमिंग, झूमिंग बताइए, झूमिंग क्या होता है, क्या समझते हैं आप झूमिंग से, क्या है झूमिंग और क्यों है ये, मतलब इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रिलीवेंस है, क्यों हम पढ़ रहे हैं?
बताइए झूमिंग, पता है अंकित आपको? ओके, एक कॉन्सेप्ट होता है श्लेस एंड बर्न, ये हम एग्रीकल्चर का एक टॉपिक होता है, जो आप अगर हिस्ट्री की शुरुआत में देखेंगे तो पहले क्या होता था, जब तक एग्रीकल्चर का पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं था और जब तक परमानेंट हाउस का भी कॉन्सेप्ट नहीं था, हिस्ट्री में जब हम सभ्यता की शुरुआत होती है तो लोग क्या कबीलाई ग्रुप में रहते थे, किस में रहते थे, कबीले के ग्रुप, एक कबीलों का एक ग्रुप होता था उसमें रहते थे लोग। इट मीन्स चार दिन यहाँ रुके एक पर्टिकुलर एरिया पे, उनको लगा कि यहाँ मेरे नियरेस्ट फूड है, यहाँ कोई रिवर बह रही है पानी पीने के लिए, तो वो कुछ दिन वहाँ स्टे करेंगे, ये वाला कल्चर कॉन्सेप्ट था। आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि पहले के किस में रहते थे, समूह में लोग रहते थे, हम बात करें बहुत टाइम पहले के, आज से करोड़ों तो नहीं 2500 ईसा पूर्व पहले की बात है ये, तो हम किस में रहते थे, कबीलाई ग्रुप में। धीरे धीरे हमारा क्या हुआ, हम वहाँ से, ये हमारा पर्टिकुलर खेती का तब उतना अच्छा कॉन्सेप्ट था भी नहीं, लोग अवेयर भी नहीं थे, तो क्या हुआ था कि हम खेती के स्टार्टिंग फेज में थे, किस में थे, जो मानव सभ्यता है वो खेती के स्टार्टिंग चरण में थी, उसको परमानेंट हाउस का कॉन्सेप्ट नहीं था कि वो स्थाई घर में नहीं रहते थे, तो उन्होंने क्या किया, खेती के लिए कॉन्सेप्ट बनाया था कि वो पर्टिकुलर उस एरिया पे क्या करते थे, खेती कर की उन्होंने, फिर जहाँ वो रहते थे उस खेती को वो मतलब जला के इक्वल कर देते। होता क्या था, एक खेती जब जो लोग फार्मर होंगे, फार्मर के जो मतलब घर से जिनकी फैमिली में बिलोंग्स करते होंगे, तो उनको पता होगा कि 5 से 6 साल तक अगर आप पर्टिकुलर एक ही उस एरिया पे खेती करते रहोगे सेम, तो उसकी फर्टिलिटी बहुत कम हो जाती है, खेती की जो उर्वरक शक्ति क्षमता होती है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है, छीड़ हो जाती है, उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं रहती है आने वाले टाइम्स में। तो वो क्या, अभी हम क्या करते हैं कि जैसे लाइक धान की खेती की, उसके बाद नेक्स्ट टाइम किसी और फसल करेंगे हम, क्यों, क्योंकि उसकी फर्टिलिटी रहे, ये लोग इतने अवेयर तो थे नहीं, 5-6 साल बाद जैसे ही उनकी उर्वरक शक्ति कमज़ोर हो जाती थी, फर्टिलिटी कम हो जाती थी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती थी, वो उस एरिया को छोड़ ही देते थे और नेक्स्ट जगह ट्रांसफ़र हो जाते थे। इसको बोलते थे स्थानांतरण कृषि, इसको क्या नाम दिया था, स्थानांतरण कृषि। स्थानांतरण कृषि का मतलब है ट्रांसफ़र, मैंने बोला ना ट्रांसफ़र हो जाते थे, यानी कि शिफ्ट हो जाते थे, तो वो क्या करते थे उस वाले एरिया में जो बंजर भूमि हो चुकी है लगातार, जहाँ 5 से 6 साल खेती हो रही है, उस एरिया को में जो खेती वाला जो एरिया था उसको क्या कर देते, आग लगा के इक्वल कर देते, जिससे कि कुछ टाइम बाद अगर वो दोबारा से उसी ज़मीन पे आए तो उसकी प्रोडक्टिविटी बन जाए। तो वो क्या करते थे, स्लैश एंड बर्न, इसको हिंदी में भी डियर फ्रेंड स्लैश एंड बर्न ही बोलते हैं, बस इसको देवनागरी लिपि में लिख दूंगी स्लैश एंड बर्न। इसका मतलब क्या हुआ, स्लैश एंड बर्न का मतलब ये हुआ कि स्लैश मतलब काटना और बर्न मतलब जला देना, उन्होंने वो फसल को काटा और जला दिया, छोड़ दिया, इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, शिफ्ट कर जाना, कॉन्सेप्ट वही है, नाम उसको अलग अलग दे दिया जो भी उसकी विशेषताएँ हैं। इसको ट्रांसफ़र खेती भी बोलते हैं, स्थानांतरण कृषि, इसको स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। किन लोगों में पाई जाती थी, ट्राइब्स में पाई जाती थी। अब हम आते हैं क्वेश्चन, इसको मेघालय में झूमिंग बोलते थे, कहाँ पे बोलते थे, मेघालय में। इसी खेती के बहुत सारे अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम दे दिए थे, MP में इसको दहिया बोलते थे, ठीक है, MP में बोलते थे दहिया, मेघालय में बोलते थे इसको झूपिंग। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको जानते हैं श्लैस एंड बर्न के नाम से, मतलब कि एक जगह पे उन्होंने खेती की, जैसे ही उनकी खेती की जो प्रोडक्टिविटी है कम हो गई 2 से 3-4 साल में, उन्होंने उस जगह पे आग, जो खेती थी उसको आग लगा दी और वो आगे निकल गए, दूसरी जगह शिफ्ट कर गए, तो उसको मेघालय में नाम देते हैं झूमिंग कृषि। इसको क्या बोलते हैं, झूमिंग कृषि, ये खेती का ही एक टाइप होता था, है ना। अभी भी आपने देखा होगा पंजाब में पराली को जला देते हैं, उसकी वजह से बहुत पॉल्यूशन होता है, तो अब इस पे बैन कर दिया गया है, अब ट्राइब हैं उनको रोक हस्तक्षेप उतना पसंद भी नहीं करती, तो बहुत ही कोर एरिया में वो उसको करते थे। तो यही था श्लैश एंड बर्न, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। झूमिंग किसे कहते हैं, मेघालय में ये झूमिंग एग्रीकल्चर इसको नाम दिया गया था। अब ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सी जो ट्राइब्स है वो झूमिंग करती है, तो मैंने आपको बता दिया मेघालय में होती थी। अब आप अगर गैस कर पाओ तो करवा लो आंसर, ऑप्शन ए भूटिया, वेरी गुड। खासी जनजाति कहाँ पाई जाती है, डन, ठीक है, खासी जनजाति कहाँ पाई जाती है, मेघालय में। तो भोटिया कहाँ पाई जाती है, भोटिया कहाँ पाई जाती है, सिक्किम में।
संथाल आपका झारखंड में टोडा नीलगिरी हिल्स पे, और खासी मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं, उनकी नाम पे उनकी ट्राइब्स के नाम हो गए। तो जैसे ही मैंने बताया झूमिंग कल्टीवेशन मेघालय में बोलते हैं, तो आपको तुरंत ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि भोटिया यूपी में होती है और भोटिया यूपी में, भोटिया सिक्किम में, इस तरीके से होता है ना। झूमिंग संथाल तो नहीं करते, क्यों? क्योंकि संथाल तो झारखंड में रहते हैं। टोडा हमने अभी देखा है साउथ में नीलगिरी हिल्स पे, और खासी मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आया आपको स्लैश एंड बर्न? हाँ। प्रश्न क्या बोल रहा है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? प्रश्न क्या बोल रहा है, भारत की सबसे बड़ी ट्राइब्स कौन सी है? ऑप्शन ए टोडा, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी भील, ऑप्शन डी गारो। हम जो इसका आंसर देंगे वो देंगे 2011 के सेंसस के हिसाब से, 2011 की जनगणना के आधार पर, 2011 की जनगणना के आधार पर, ठीक है। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की सबसे बड़ी जो ट्राइब्स है, डियर फ्रेंड्स, इसमें ना कहीं कहीं साइट्स जो हैं, कहीं कहीं बुक्स में डिफरेंट आंसर हैं। मैं क्लियरली इसके जो आंसर्स हैं वो अलग साइट्स में और अलग अलग जगह पे डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स हैं। पहले 2011 से पहले क्या होता था, वो गोंड थी, 2011 की जनगणना के हिसाब से भील हो गई, और अभी रिसेंट में कुछ साइट्स पे इसका आंसर अगेन गोंड भी दिखा रहा है। पर मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन को परफेक्ट क्वेश्चन बना दिया है, मैंने बना दिया है इसको परफेक्ट क्वेश्चन। अब इसका आंसर्स में कोई मतलब कन्फ्यूज ही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 2011 के जो सेंसस हुआ है उसके बाद कोई सेंसस हुआ ही नहीं है, तो उस सेंसस के हिसाब से भारत की जो सबसे बड़ी ट्राइब्स है वो भील है। अगेन मैं आपको बता दूं, कुछ साइट्स पे इसको गोंड भी दिखाया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले गोंड थी और शायद रिसेंट में चेंज हुआ हो, गोंड फिर से हो गई हो, तो मैंने इसको परफेक्ट बना दिया कि 2011 की अगर जनगणना के हिसाब से पूछेगा तो आपका आंसर भील ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? केरल की ट्राइब्स के बारे में पूछ रहा है, इनमें से कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है? क्या बात है राहुल, समझ में नहीं आ रहे क्वेश्चंस? हाँ आ रहे हैं ना। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है? तो केरल की ट्राइब्स के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए बोल रहा है चेंचू ट्राइब्स, ऑप्शन बी बोल रहा है डाफला, ऑप्शन सी बोल रहा है लेपचा, और ऑप्शन डी बोल रहा है डाफर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? नहीं, सॉरी, बी नहीं है, डाफला नहीं है, लेपचा नहीं है, डाफर नहीं है। पहले हम आपको बता देते, इनको आप नोट डाउन कर लेना प्रशांत, इसमें ना चार क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, ठीक। चेंचू, एग्जैक्टली, ठीक है। तो हम देखेंगे, आपने लेपचा बताया, लेपचा कहाँ पाई जाती है? लेपचा पाई जाती है सिक्किम में, ठीक है। लेपचा कहाँ की ट्राइब्स है? सिक्किम की। डाफर जो है ये गुजरात में सौराष्ट्र प्रदेश पड़ता है। डाफर कहाँ पड़ता है? गुजरात में सौराष्ट्र। तो यहाँ कौन सी पाई जाती है? डाफर, और डाफर से मिलता जुलता नाम है डाफला। तो डाफला को और डाफर में आप क्या करना, इन दोनों को एक ही जगह लिखना। डाफला जो है ये अरुणाचल प्रदेश की है। डाफला कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। अब आपकी बची कौन? चेंचू, जो नीलगिरी हिल्स पे भी रहती है, नीलगिरी हिल्स पे भी मिलती है, और नीलगिरी हिल्स मतलब केरल, मतलब केरल। तो चेंचू आपका सही आंसर हुआ। आप क्या करोगे, इन दोनों में अक्सर कन्फ्यूजन होता है, इन दोनों को क्लियरली आप अपने एक साथ लिख लेना नोट्स बना के, और ऐसे करके स्टार लगा लेना नोट्स के, मुझे यहाँ पे डाफर गुजरात के सौराष्ट्र में रहती है, लेपचा सिक्किम की ट्राइब्स है, डाफला अरुणाचल प्रदेश की, और चेंचू नीलगिरी हिल्स पे पाई जाती है। उसने केरल स्टेट स्पेसिफाई कर दिया है। ओके, डन, स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया अगेन बहुत ही प्यारा सा, और वैसे ही टाइप का रहेगा। इसमें आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं आज के लेक्चर में सारी हो जाएंगी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है आपको। इधर ट्राइब्स हैं, उधर उनके एरिया हैं, बिरहोर, भूटिया, टोडा, सेंटलिस। ऑप्शन आपके आपको मैच करना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ट्राइब्स है, तमिलनाडु की है, सिक्किम की है, झारखंड की है ना।
आपको कोई एक आध नाम याद इसमें से कर पा रहे हो तो करो, क्या आप इसको रिकॉल कर पा रहे हो? टोडा, टोडा ट्राइब्स कहाँ रहती थी प्रशांत? हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में कराया है, कहाँ रहती थी टोडा? हमने देखा था ना नीलगिरी हिल्स पे टोडा, नीलगिरी हिल्स मतलब साउथ इंडिया। मेरी तरफ देखो, प्रश्न की तरफ देखो और उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो। अगर प्रश्न नहीं भी बड़ा भी लग रहा है उसको माइंड पे प्रेशर मत लो, है ना। तो हमने ये तो पढ़ा था ना टोडा प्रीवियस लेक्चर्स में, हमने क्या पढ़ा था? टोडा कहाँ रहती है? साउथ में, साउथ है ना, नीलगिरी हिल्स। इनमें से आपको कौन सा साउथ लग रहा है? इट मीन्स ये नहीं होगा टोडा के लिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यही बचा ना तमिलनाडु। तो हम टोडा को तमिलनाडु से मैच कर दें। और जैसे ही हमने सी का दो मिलाया, तो सी का दो मिलाया ए बी सी और डी। ओके, इसने थोड़ा सा वो कर दिया है, चलो हम खुद से बना लेंगे कूट को, ठीक है। सी को हमने क्या मिला दिया? दो मिला दिया तमिलनाडु। इसको हम देखेंगे, हम खुद से मिला लेंगे, मतलब कोई आंसर्स परफेक्ट होगा, ये आप टेंशन ना लें। टोडा हमें देखा तमिलनाडु में, तो मैचिंग वाला यहाँ से तो खत्म हो रहा है, कुछ ये हुआ है। सी का टू है, कोई बात नहीं है। अब हम देखते हैं बिरहोर। बिरहोर जो है डियर फ्रेंड्स, ये झारखंड की ट्राइब्स है बिरहोर, ठीक है। तो बिरहोर कहाँ की है? झारखंड की ट्राइब्स है, ठीक है। फिर आपका बचता है भूटिया। जो भूटिया है वो सिक्किम में, अगेन आप इसको नोट डाउन कर लेना, दो एक जैसी जहाँ मिले वहाँ नोट डाउन और स्टार लगा लेना। भूटिया जो है वो सिक्किम की ट्राइब्स है। भूटिया कहाँ की है? सिक्किम की। तो एक और ट्राइब्स है सिक्किम की, भूटिया है। तो एक और ट्राइब्स है भोटिया, जो हम प्रीवियस में देख चुके हैं। तो भोटिया कहाँ की होगी? यूपी की, ठीक है। ये सेम जैसी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो भूटिया अगर सिक्किम की है तो भूटिया कहाँ की होगी? यूपी की। जो भूटिया डन। तो ये हो गई सिक्किम की, बची कौन? सेंटलीज। सेंटलीज कहाँ की है? अंडमान निकोबार की। सेंटलीज कहाँ की है? अंडमान निकोबार की। डियर फ्रेंड्स, अंडमान निकोबार में कौन कौन सी और ट्राइब्स पाई जाती हैं? तो सेंटलीज पाई जाती है, जारवा पाई जाती है ना, निकोबार में निकोबारी पाई जाती है ना, जारवा भी होती है। सेंटलीज के अलावा अंडमान निकोबार में कौन सी पाई जाती है? जारवा ट्राइब्स भी पाई जाती है। सेंटलीज और जारवा इसकी फेमस, मतलब जो बहुत प्रसिद्ध ट्राइब्स है वो ये हैं, सेंटलीज और जारवा। अभी कुछ दिन पहले, लाइक एक से दो साल पुरानी घटना है, तो एक अमेरिकन टूरिस्ट गए थे टूर करने अंडमान निकोबार पे, और जो ये सेंटलीज ट्राइब थी, इसी ट्राइब ने अपने तीर बाड़ से एक अमेरिकन टूरिस्ट की हत्या कर दी। वो इंटरफेरेंस पसंद नहीं करती हैं बाहर के लोगों का, क्यों? क्योंकि जो टूर, जहाँ टूर डेवलप हो जाता है, टूरिस्ट जाने लगते हैं, वो क्या कर लेते हैं, उनके जो एरिया उसमें क्या, मतलब अड़चने कर देते हैं, डिस्टर्बेंस कर पैदा कर देते हैं, है ना। तो इस वजह से वो पसंद नहीं करती कि कोई भी हमारे अटैचमेंट में आए। तो ये काफ़ी न्यूज में रही थी, हाईलाइट रही थी सेंटलीज ट्राइब। तो सेंटलीज और जारवा कहाँ की है? अंडमान निकोबार की, ठीक है। टोडा हमने देखा तमिलनाडु नीलगिरी हिल्स पे, भूटिया सिक्किम में, और बिरहोर झारखंड में। और आपका ऐसे मैच कर लेना, ए का चार, ठीक है, बी का भूटिया सिक्किम में, बी का तीन, और सी का टोडा, बी का सी का दो, और डी का वन। तो ये आपका आंसर होगा 4-3-2-1। इसमें से कोई भी, इसमें थोड़ा टेक्निकल इशू होगा या फिर मिस्टेक हो गई होगी, उसमें कोई इशू नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। आपका जो परफेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है। आपका जो परफेक्ट आंसर होगा वो ये होगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लें, मेरे साथ साथ रिकॉल कर लें। इससे पहले हमने कौन कौन सी देखी थी? रिकॉल करो, मुंडा, भील और चेंचू। कहाँ की है वो? केरल की। वेरी गुड। नेक्स्ट, अगेन इनमें से कौन एक सुमेलित नहीं है? आपको अगेन वही क्वेश्चन मैच करने के लिए आ गए हैं। शेरपा, जैसे कि डियर फ्रेंड्स, जब भी आप पहाड़ी स्टेट्स में जाओगे, और जो भी माउंटेनियर होते हैं, जो माउंटेन की वो करते हैं, चढ़ाई करते हैं, तो आपने देखा होगा वो सपोर्ट के लिए एक शेरपा को अपने पास रखते हैं। शेरपा कहाँ की ट्राइब्स हो गई? क्योंकि शेरपा कहाँ की हो गई? नेपाल की। शेरपा कहाँ की हो गई? नेपाल की। डन। फिर टोडा हमने अभी पढ़ा ही था, दक्षिण भारत की, ठीक है।
थारू यूपी की है और यूपी से ही 2000 में उत्तराखंड डिवाइड हुआ था, तो अगेन थारू सही है। जुलू डियर फ्रेंड्स उड़ीसा की नहीं है, जुलू कहाँ की है, जुलू है साउथ अफ्रीका की। जुलू कहाँ की है, ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, जुलू इम्पोर्टेंट ट्राइब्स है, वो इंडिया की ना पूछ के अगर पूरा वर्ल्ड का पूछे तो जुलू इम्पोर्टेंट ट्राइब्स है, कहाँ की, साउथ अफ्रीका की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न स्थानों में से कौन जो कहाँ शोम्पेन जनजाति पाई जाती है, जैसा कि अभी हमने कराई दिया है, कहाँ पाई जाएगी आप बताइए इसका आंसर, जारवा, सेंटलीज और ये शोम्पेन कहाँ की ट्राइब है। ऑप्शन ए, क्या ये नीलगिरी हिल्स की है, ऑप्शन बी, क्या ये स्पीत वैली, हाँ वेरी गुड, कहाँ की है ये, निकोबार द्वीप समूह की। ठीक है, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें और राइट डाउन कर लें, कर लो, लिख लो, शोम्पेन भी निकोबार द्वीप समूह की है। शेरपा लिख लो नेपाल, टोडा आप लिख चुके हो, थारू आप यूपी और उत्तराखंड डाल देना, और जुलू उड़ीसा की ना होगी, कहाँ की है, साउथ अफ्रीका की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस जनजाति के द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है, कौन सी जनजाति, ऋतु प्रवास का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स, पहाड़ों में गर्मियों में तो क्या होता है, बहुत सुहावना सा प्लीजेंट सा मौसम होता है जो पहाड़ी स्टेट्स होते हैं, लेकिन सर्दियों में बर्फ इतनी ज़्यादा जब पड़ती है वहाँ ह्यूमन की जो लाइफ है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, सर्दी जब बहुत ज़्यादा जनवरी और दिसंबर की सर्दियाँ होती हैं तो पहाड़ी लोग मैदानी एरिया में आ जाते हैं, और जैसे ही गर्मी होती है वो पुनः अपने वापस अपने जो होम स्टेट है वहाँ पहुँच जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऋतु प्रवास बोलते हैं। क्या बताया प्रशांत मैंने, क्या होता है ऋतु प्रवास, पहाड़ी एरिया में जो दिसंबर और जनवरी की सर्दियाँ होती हैं वहाँ बहुत ज़्यादा क्या पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, उस वजह से वहाँ ह्यूमन की लाइफ सर्वाइव करने लायक कंडीशन होती नहीं है, वो क्या करते हैं दिसंबर और जनवरी में वो 2-3 महीनों के लिए मैदानी एरिया में नीचे आ जाते हैं पहाड़ों से, अगेन जैसे ही बर्फ़ ख़त्म होती है वो पुनः वापस मोस्ट ऑफ टाइम अपने पुनः होम टाउन में लौट जाते हैं, इसको ऋतु प्रवास करते हैं, और सबसे ज़्यादा ऋतु प्रवास किया जाता है भूटिया ट्राइब्स के द्वारा। ठीक है, सिक्किम में सबसे ज़्यादा ऋतु प्रवास इसके द्वारा किया जाता है। तो इसी के साथ आज के जो ट्राइब से रिलेटेड आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हुए हैं, और भी अगर आपको इस क्लास में कुछ भी पसंद आया हो, आपको इसके क्वेश्चंस आप बहुत महत्वपूर्ण लगे हो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।